देश भर में आज संविधान के निर्माता बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। 31 मार्च 1990 को उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने न सिर्फ आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण की भी जिम्मेदारी उठाई। हर साल उनकी जयंती को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। चौदह अप्रैल 1891 में जन्मे बाबा साहेब की इस साल 130वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती के दिन सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की गई है। उन्होंने देश से जाति प्रथा और समाज में कुव्यवस्था को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका मानना था कि सभी जाति के लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए ताकि आगे चलकर किसी के साथ भी भेदभाव न हो। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में हिस्सा लिया। एक दलित परिवार से आने वाले बी आर अम्बेडकर ने अपने जीवन में बहुत यातनाएं झेली लेकिन कभी किसी कमजोर का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि वे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उन्हें आज भी उतने ही आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है।